सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए मेरी लाइफ का, क्योंकि आज क्या है कि आज मेरे घर पे एक नया गेस्ट आया है। बस शादी की शॉपिंग हो जाए बढ़िया तरीके से, बस यही चाह रहा हूँ मैं तो। सो गाइस, फाइनली हम जा चुके हैं शादी की शॉपिंग के लिए। और गाइस, मेरा ये दोस्त है, ये थोड़े दिन बाद जा रहा है मलेशिया, तो यार आई मिस यू ब्रो, तू मलेशिया चला जाएगा। तो गाइस बच्चों ये बच्चे और हमें दोबारा बटन दबाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ के बहुत शैतान है यार, वो कहते ना बच्चे मन के सच्चे, बट यहाँ के बच्चे मन के सच्चे नहीं, यहाँ के बच्चे मन के नटखट। तो गाइस मलेशिया कब जा रहा भाई तू? भाई अभी तो टाइम है भाई, कर दे, पासवर्ड बन गया है, सब कुछ रेडी हो गया है। मतलब अब आपको बताऊं कि बंदा जा क्यों रहा है, तो आप लोग भरोसा नहीं करोगे। बंदा फेसबुक चलाता है और मलेशिया में एक लड़की इसको पसंद आ गई भाई, उस बंदी के चक्कर में बंदे ने पासवर्ड बनवा लिया भाई, सब कुछ करवा लिया, और बंदा उसके चक्कर में जा रहा है मलेशिया। और जैसे कि मैं काला नहीं हो गया भाई, मैं शुरू से गोरा पैदा हुआ था। तो भाई सबसे पहले चलते हैं शादी की शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद आपको देते हैं अपडेट बढ़िया वाला। तो भाई जैसा कि पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब कुछ ओके रिपोर्ट रहती है, बट प्रॉब्लम जो रहती है वो सिर्फ एक रहती है, वो कि ये जो कि आप देख सकते हैं इतना ढेर सारा ट्रैफिक, रेड लाइट हो रही है भाई, रेड लाइट हो रही है, मगर हम पीछे से ट्रैफिक में ही फंसते हुए आ रहे हैं भाई, पता है रेड लाइट हो रही है भाई। घर से हम कभी टाइम से, घर से हम बहुत टाइम से निकले थे, और अब देखो 6 बजे, और ये देखो 14,000 के हैं, वो उसकी 10,000 की है, किसी और की थी, हां दूसरे की। तो भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा ही नहीं कि इसी साइड हो रहा है, इस साइड भी हो रहा है भाई। अब देखते हैं जल्दी से पहुंच जाए, उसके बाद आपको देते हैं प्यारा सा अपडेट, और बस शादी की शॉपिंग हो जाए बढ़िया तरीके से, बस यही चाह रहा हूं मैं तो। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं सीपी, और गाइज सबसे पहले क्या करना है, दो तीन अपडेट देने हैं। पहले पहुंचते हैं, फिर कपड़े वपड़े ले ले, उसके बाद मिलते हैं, और क्या भाई क्या क्या भाई नहीं क्या, वो आपको दिखाता हूं मैं ब्लॉग में, ठीक है? तो ब्लॉग मतलब शादी किसकी है, शादी किसके भाई? शादी है ताई, मतलब ताऊ है ना उनके लड़की की है। हाँ, इनकी बहन की शादी है, तो वहाँ हम सब जाने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई को कपड़े दिला दूँ, मैं शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ, भाई शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए सॉरी, छोटा सा मजाक था, मुझे भी तो दिलाना है, तू भी लेगा चल, तू भी ले लो भाई। तो सबसे पहले पहुँचते हैं, उसके बाद अपडेट देता हूँ आपको, ठीक है? ओके। सो गाइस, जो शादी वादी थी, वो शादी की शॉपिंग जो थी वो थी इनकी, इसके कभी खत्म होने वाले है नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि गाइज ड्रामे खत्म कभी होंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करा जाए, मैंने सोचा कि उसके लिए एक चीज करी जा सकती है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। सो गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं भुलाई जा सकती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इन चीज़ों को जैसे टॉर्चर वो कर, मतलब एक तरीके का टॉर्चर ही हो गया कि ये बोल दिया वो बोल दिया ये सब फलाना ढिकाना, जबकि मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि आज सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए मेरी लाइफ का, क्योंकि आज क्या है कि आज मेरे घर पर एक नया गेस्ट आया है, और गेस्ट बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, जिसका मुझे अपनी लाइफ में इंतज़ार था वो मेरी लाइफ में आ चुका है। और गाइस मेरे लाइफ में जो आया उसका नाम है, देख सकते हो आप, ये कितने प्यार से सो रहा है, मतलब सो रही है, बहुत क्यूट सी है ये। और गाइस मैंने इसका नाम पता है क्या रखा है, मैंने इसका नाम रखा है निक्कू। तो आप कमेंट करके बताना कि मैं आई नो बहुत सारे लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि ये सोच के कि मैंने इसका नाम निक्कू क्यों रखा है, तो वो तो बाद की बात है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि नाम आपको कैसा लगा। और गाइज ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, आप देख सकते हो, तो गाइज सबसे पहले कमेंट करके बताना कि नाम, मतलब गाइज मैंने इसका कोई नाम निक्कू विक्कू नहीं रखा है, वो बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इट्स अ जोक। सो गाइज मतलब मेरे को बताना कि मैं इसका क्या नाम रखूं, बट अभी फाइनल नहीं है कि मैं इसको रखूंगा या नहीं रखूंगा, अभी तो ये थोड़ी छोटी भी है। और गाइज एक चीज़ और कि अब जितने तरीके हो गए, तौर तरीकों से बात हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, मैं उससे मिला भी आप सबके कहने पे, बट तो उसने फिर से वही चीज़ें रोड़ा रगड़ा कि मिल ले, ये कर ले, रिलेशन में आ जा, ये हो जा, वो हो जा, ये सब ना दिमाग की भसूड़ी ना मेरे दिमाग में पचा दी है, पता है गाइज ये मेरा
दिमाग बहुत ज्यादा पागल हो चुका है इन सारी चीजों को सोच सोच के। कभी वो मेरे से रिलेटिव है उसे कॉल कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी मेरे होने वाली। यार ये बकचोदिया ना बंद कर दे, मैं तुझे अब भी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मैं लास्ट हर वीडियो में बोलता हूँ कि लास्ट मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं तेरे में इतने चांटे बजा दूँ ना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टॉक हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्टॉक हो रहा हूँ इन सारी चीजों से कि मेरा दिमाग ना पागलों की तरह हो चुका है। जैसे तैसे गाइस मैं खुद को रिकवर करा, सारा कुछ करा। आप लोग बता दो मेरे को आपके जो कमेंट होंगे ना, मैं क्योंकि देखो आप फैमिली हो, आप सब कुछ हो, आपसे बड़ा कोई नहीं, ना ही कुछ है ना ही मैं मानता, ठीक है। एक मेरी फैमिली और उसके बाद एक आपकी आप हो, मतलब जिसको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, तो दो ही लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं मेरी लाइफ के अंदर, एक मेरी फैमिली और एक आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से मैं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, मतलब सब कुछ आप ही हो। तो गाइस आप कमेंट करके बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जो ज्यादा कमेंट रहेंगे वो चीज मैं देखूंगा कि मैं उस पर मतलब सोचूंगा कि क्या करना चाहिए क्या करना नीचे, बाकी जो भी रहेगा मेरे को कमेंट करके आप लोग बताओ कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे यार मैं क्या बोलू बस। तो गाइस मैं खुद भी यार खुश रहने का ट्राई करता हूँ, बहुत चीजें माइंड से साइड में रख देता हूँ और हैप्पी रहने का ट्राई करता हूँ, बट फिर वही यार रोज उसकी वीडियो देख के एक फिर से मूड वहीं अपसेट हो जाता है, सोच सोच के थोड़ा दिमाग पागल हो जाता है। तो गाइज आप ही कुछ बताओ, बस यार यही बोलूँगा, बाकी थैंक यू, आई होप सब अच्छे रहोगे और अच्छे रहो, फैमिली के साथ खुश रहा करो यार, क्योंकि अपनी फैमिली सब कुछ होती है, फैमिली जहाँ तक साथ दे देती है वहाँ तक कोई साथ नहीं देता। तो सबसे पहले अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और अपने माँ बाप को खुश रखो, बस यही बोलूँगा। लव यू।